हाय आस्था, मैं ये बोल रही थी कि तू स्केच कितने में बना देगी। हाँ, वो मेरे पापा का बर्थडे था तो मैं सोच रही थी 2-3 स्केच बनवाने हैं। हाँ ओ हाँ, तो तू बना देना, है ना? ठीक है, ओके बाय। आ गए आप लोग? कल मेरे पापा का बर्थडे है तो उनके लिए बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। आइए देखिए आप भी क्या होता है। तो अब जब सरप्राइज प्लान हो ही रहा है तो एक काम करते हैं, मम्मा केक बना लेंगी और पापा की फेवरेट डिश भी मम्मा ही बना लेंगी। रही बात डेकोरेशन की तो वो तो मैं और भाई कर ही लेंगे। अब गिफ्ट क्या दे सकते हैं पापा के लिए? वॉच दूं क्या? नहीं नहीं, अभी तो लेकर आए थे पापा न्यू वॉच। एक काम करते हैं, फ्लिपकार्ट से शर्ट मंगवा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पिछली बार मेरी फ्रॉक गड़बड़ आ गई थी तो मम्मा ने कितना सुनाया था मुझे। इस बार ऐसा कुछ हो गया तो एक काम करती हूँ, मम्मा से ही पूछ लेती हूँ। मम्मा क्या कर रही हो आप? आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ तो बता, कुछ प्लान किया पापा के बर्थडे के लिए फिर? हाँ, मैं प्लान ही कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अपन एक स्केच बनवा ले रहे हैं फुल फैमिली फ़ोटो का, और एक पापा की अलग से फ़ोटो का स्केच बनवा ले रही मैं आस्था से। और क्या करूँ, मैं सोच रही थी गिफ्ट ले आते पापा के लिए कुछ, ऑनलाइन मंग पाए। तुम ना पहले मुझे पूरा प्लान बताओ, फिर मैं बताऊँगी तुम्हें कि गिफ्ट क्या दे सकते हैं। अरे अच्छा ठीक है, मैं प्लान बता रही हूँ लेकिन आप पापा को नहीं बताओगी, प्रॉमिस करो। क्यों, रात में 12 बजे केक कटिंग नहीं करवाएंगे और व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस डालते वो भी नहीं डालेंगे क्या? अरे रात में केक कटिंग करवाएंगे लेकिन पापा को तब तक खबर नहीं होनी चाहिए कि अपन उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज देंगे तो शॉक हो जाएंगे पापा, कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। अब तू जल्दी से प्लान तो बता। अरे भाई, किस चीज का प्लान बन रहा है तुम दोनों का, मुझे भी तो बताओ। अरे पापा, आप कब आए? नाइस हेयर स्टाइल, अब वो सूट कर रही है। मैंने सोचा थोड़े चेंजेस अच्छे रहते हो। हाँ सही बात है। तो बताओ फिर, किस चीज का प्लान हो रहा था वो? अरे वो प्लान नहीं हो, प्लान नहीं कर रहे थे हम लोग, बस वो मैं मम्मी को बता रही थी कि मेरे दोस्त के घर पे शादी है उसके भाई की, तो उसने क्या प्लान किया है। हाँ हाँ, दोस्त के भाई की शादी का प्लान बता रही थी ये। अच्छा, किसके घर पे शादी है? ओ हर्षित, अमन? नहीं नहीं माँ, अमन का तो कॉल आया था ना, हर्षित के भैया की शादी है। हाँ हाँ, हर्षित के भाई की शादी है। पर हर्षित का तो कोई भाई नहीं है ना? अरे हाँ, उसके खुद के भाई की नहीं है शादी, वो उसके चाचा के लड़के की शादी है। ठीक है, तो फिर तुम बताओ प्लान, मैं अपने बॉस को फोन करके आता हूँ। ओके पापा, थैंक गॉड बच गए, नहीं तो अभी तो तेरे पापा को सारी प्लानिंग पता चल जाती, तुझसे तो झूठ बोलते तक नहीं बनता अच्छे से। मम्मी संभल गई ना बात, अभी डिस्कशन करो जल्दी से, अभी रात में केक कटिंग करवानी है ना। हाँ बता जल्दी से प्लान। हाँ तो सुन, देखो केक आप बना लेना, पापा की पसंद का खाना भी आप बना लेना, और अच्छा सुन तू, ठीक है ओके, तो फिर डन, शूज ऑर्डर कर देते हैं, है ना? हाय मम्मी दीदी, फिर कुछ प्लान किया पापा को सरप्राइज देने के लिए? कैसे
कैसे कैसे बहाने बनाने पड़ते हैं ना पेरेंट्स को, सच ना पता चले कि हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं उनके लिए और स्पेशली पापा के लिए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कभी सरप्राइज प्लान किया हो तो कैसे कैसे बहाने बनाकर अपने सरप्राइज को बचाया है। आज मेरे पापा का बर्थडे है, सो आई विश हिम हैप्पी 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 बर्थडे पापा, मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।